मनुष्य के पास पांच सेंस होते हैं। एक होता है टेस्ट का, एक होता है स्मेल करने का, एक होता है विजन, एक होता है टच करने का, और लास्ट वन होता है हमारा सुनने का। बट ये बहुत पहले से चला आ रहा था कि एक और सेंस होता है जिसके ऊपर खोजबीन चल रही है, और इंसान के पास इस सेंस के कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत आती है और अपने आसपास की चीजों को वो अच्छे से समझने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द सिक्स्थ सेंस मूवी के बारे में, जो 1999 के अंदर आई थी। मेरा ये मूवी देखने का इंटरेस्ट तब जागा जब मैंने इसका नाम सुना था, द सिक्स्थ सेंस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनोज निलयातु श्यामालन ने। ये भारत के ही है, पौंडीचेरी में इनका जन्म हुआ था 1970 के अंदर। अब इसकी कहानी के ऊपर आते हैं। इसकी कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है कोल जो 10 से 11 साल का बच्चा है, और एक है मैलकम जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। कोल को ऐसे दिखाया गया है कि उसको एक बीमारी है जिसके कारण वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाता, उनसे दूर रहता है और अकेला रहना प्रेफर करता है। और इस वजह से इसकी माँ जो है इसका इलाज करवा रही है, काफी सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी है। और इसी दौरान कोल मिलता है मैलकम से। मैलकम के बारे में बताऊं तो ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था, और इसके ऊपर एक इस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन दिखाया गया था कि एक इंसान जिसका इसने इलाज किया था कुछ गलत हो गया था, जिसके कारण अब ये बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, और ये चाहता था कि अब इस बार अगर किसी का मैं इलाज करूं, किसी बच्चे का इलाज करूं, तो 100% उसके ऊपर मतलब मैं वर्क करूं, उसको कहीं पर भी कोई फेलियर मैं महसूस ना होने दूं। और इस वजह से ये अपनी गृहस्थी लाइफ जो है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से खराब कर लेता है। और कोल जब मैलकम से मिलता है तो अब मैलकम इसे स्टार्टिंग में बिल्कुल कंफर्ट करता है, पूरी अच्छे से बातचीत करता है, और जब तक कोल अपना कोई सीक्रेट या कोई राज अपना मैलकम को नहीं बताना चाहता, तब तक इसके वो पूछता भी नहीं कि तुम्हारा क्या सीक्रेट है, तुम क्यों बच्चों से दूर रहते हो। पहले अच्छे से उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, और एक टाइम ऐसा आता है कि कोल अपना सीक्रेट जो है वो मैलकम को बताने के लिए तैयार होता है। और इस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस में था कि यार ऐसी क्या बात है कि कोल जो है वो बच्चों से दूर रहते हैं, इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रखा था। और जब वो बताता है कि उसके उसका एक जो सीक्रेट है कि उसे जो मरे हुए लोग हैं वो उसे दिखाई देते हैं और उससे वो बात करते हैं, और ये सीक्रेट सुनने के बाद यार मैं भी बहुत हैरान हो गया था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो मैलकम है वो यकीन नहीं करता है, कि उसे लगा कि एक बच्चा है, बच्चे की कोई कल्पना है जिसके कारण उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। बट क्या होता है कि कोल धीरे धीरे इस चीज को प्रूव करता है। वो एक लड़की से मिलता है जो मरी हुई होती है, और वो उसके घर जाता है, और उसके घर जाके वो एक कैसेट जो होती है उसकी लड़की जो उसको देती है, वो कैसेट जो उसके पिता को बताता है कि ये कैसेट जो उसकी जो बेटी है वो उसे देना चाहती थी, बताना चाहती थी कुछ। और इस कैसेट को जब वो उसके पिता चलाते हैं, इस वक्त भी सस्पेंस क्रिएट हो गया था यार इस कैसेट के अंदर क्या है। जब वो उसे चलाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को उसकी सौतेली माँ ने ही मार दिया। जो डॉक्टर है मैलकम, उसको जब यकीन होता है तो यार वो डॉक्टर बिल्कुल हिल जाता है, और सच में यार इस वक्त तो मैं भी हिल जाता हूँ। अब देखो यार, इसके अंदर एक ट्विस्ट कह लो या एक सीक्रेट कह लो, जब कोल जो है वो मैलकम को ये बताता है कि उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, वो उन्हें देख पाता है, उनसे बात कर पाता है, उस वक्त मेरे दिमाग में एक बत्ती साइड में जल भी गई थी। मतलब एक तरफ मैं हैरान भी हो रहा था, और एक तरफ कहीं ना कहीं मेरा माइंड ये वर्क करने लग गया था कि हाँ यार ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर जो चीज दिखाई जा रही थी वो मैं मतलब एक तरीके से पैरेलल उस चीज के ऊपर भी सोचने लग गया था। अब देखो यार, वो चीज़ तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि यार वो आपका इंटरेस्ट खराब कर देगी, एक तरीके से आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। बट अगर आप लोग इस मूवी को बड़े ही ध्यान से देखोगे, अपने दिमाग की बत्ती जलाकर देखोगे, तो ऑब्वियसली आप लोग इस हिंट को समझ पाओगे और स्टार्टिंग में ही पकड़ पाओगे। मुझे तो मिल गया था स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में क्या, जब कोल जो है वो मैलकम से अपना सीक्रेट शेयर कर रहा था तब मुझे मिल गया था वो क्या राज होने वाला है। मैं तो बस एंडिंग का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन देखना चाहता था कि हाँ यार अब इसको क्या पता चलेगा। मतलब और ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, सच कह रहा हूँ कि अगर ये बता दिया तो आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। बट ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को कंपेयर करते होंगे, यार ये 2020 चल रहा है, वो 1999 की मूवी है यार, उसके अंदर ग्राफिक्स ऐसे थे या वैसे थे, ऐसा कुछ होगा यार, कैसा देखने को मिलेगा। यार अगर तुम्हारी ऐसी सोच है यार, तुम लोग तो फिर कंटेंट से दूर ही रहो यार, तुम लोगों को नहीं पता कि कंटेंट क्या होता है और आर्ट क्या होता है। इस मूवी की जो स्टोरी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर की गई है। जो मैलकम है जिसे प्ले किया है ब्रूस विल ने, ये वही है जो डाई हार्ड वाली मूवी में आए थे, काफी ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और जो कोल जाम का जो कैरेक्टर है, जो बच्चे ने जो प्ले किया वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने अपना 100% इस कैरेक्टर को निभाने में, जिस वक्त उन्होंने एक्सप्रेशन देने थे, सस्पेंस क्रिएट करना था, वो काफी काबिलियत तारीफ है यार। अब देखो यार, ये सिक्स सेंस जो इस मूवी का नाम रखा गया था कि भाई क्या इस वजह से इस बच्चे को वो भूत प्रेत दिखाई देने लग गए थे, या फिर वो उनसे बातें इस वजह से कर पा रहा था, ये मुझे लास्ट में इसके क्लियर नहीं हुआ कि भाई हाँ इस मूवी का नाम जो है वो सिक्स सेंस किस तरीके से जस्टिफाई करता है। बाकी इस मूवी की अगर डायरेक्शन की बात करूँ, स्क्रीन प्ले की बात करूँ, ये तो यार उम्दा लेवल का है, कमाल का है यार।
अब देखो यार, आप लोगों को खुद पता करना होगा कि मैल्कम उस बच्चे की हेल्प कैसे कर पाता है और वो ट्विस्ट क्या है, और बच्चा जो है वो अपने इस मतलब कि जो उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं वो इस चीज को कैसे रोक पाएगा। इन सब चीजों के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और वो लास्ट का जो सीन है यार, मैं सोच रहा हूँ बताऊँ। नहीं यार छोड़ो यार, मैं फिर से कोई भी गाली नहीं सुनना चाहता, वरना तुम स्टार्ट हो जाओगे कमेंट बॉक्स में लिखना यार तू तो पूरी की पूरी कहानी बता देता है। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 स्टार। और जाते जाते एक बात कहूंगा कि यार ये साइकोलॉजिस्ट थ्रिलर के मामले में मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट, क्या मतलब एकदम से टॉप मूवी मैं इसे कहूंगा। बहुत कमाल की मूवी है। और अगर किसी ने मूवी नहीं देखी तो मैं उसको 100% रिकमेंडेड करने वाला हूँ, जाकर यार देखो। जरूरी नहीं कि 2020 में मूवी ही काफी अच्छी होंगी, उनकी ग्राफिक्स होंगे तभी तब आप उस मूवी को देखना पसंद करोगे, या काफी ज्यादा एक्शन होगा तभी आप यार उस आर्ट को समझने की कोशिश करो, उस कंटेंट को देखो जो बहुत टाइम पहले दिया गया था। बहुत अच्छी एक मूवी है, और जिन्होंने देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।